दिखाओ दिखाओ तो ₹5 करोड़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सफर ने इतना ज्यादा थका दिया है क्योंकि दिन बहुत ज्यादा कम थे ना, तो वहाँ पे डेली आउटिंग के लिए जाना होता था और बहुत ज्यादा हम थक जाते थे। तो घर आई, मैंने एक दो दिन रेस्ट किए व्लॉग वगैरह आप लोगों के साथ। आज से मैं शुरू करूंगी इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग। अभी भी आप मेरी आंखों से देख सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। अच्छा, कल जब हमने रिजल्ट वाला व्लॉग जो है वो अपलोड किया तो आप लोगों के बहुत ज्यादा मुझे कमेंट्स आए, बहुत ज्यादा दुआओं के, आप लोगों के प्यार के, मुझे इतना अच्छा लगा माशाल्लाह से। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे बस में होता ना तो मैं सबके घर ही मिठाई भिजवा देती। मेरे हस्बैंड ने ना पीछे घर का बहुत ज्यादा माशाल्लाह ख्याल रखा है, मतलब घर सेट रखा है इन्होंने। हम आए थे तो हमें इतनी ज्यादा कोई मुश्किल नहीं हुई, घर भी साफ था। अम्मी अबू पहले दिन खाना बना के ले आए, फिर हेल्पर आती रही, तो मतलब घर ना एक वो रूटीन जो है ना वो दोबारा से उस तरह मतलब हमारी शुरू हो गई। हमजा के कल स्कूल में है जी मिलाद, अभी मुझे स्कूल से मैसेज आया है। ठीक है, तो हमजा की ना ये मैंने बिल्कुल न्यू शलवार कमीज सिलवाई थी और अभी तक मैंने हमजा को नहीं पहनाई, तो अभी मैंने कहा कि इसके अंदर इलास्टिक डाल के ना, तो हमजा का यही ड्रेस जो है ये मैं प्यारा सा इसका रेडी कर देते हैं जी। और ये हमजा के जूते ना मैंने शादी के ऊपर लिए थे, एक मेहंदी के ऊपर ना, बिल्कुल न्यू के न्यू पड़े हैं, बिल्कुल एक दफ़ा इसने पहने हैं। और ये वाले शूज़ मैं अभी हमजा के ना दुबई से लेके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगे थे वहाँ पे। अभी जिस तरह मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, गला ख़राब होना, एलर्जी, ज़ुकाम, खांसी हर घर में आम हो जाएगा, तो उसके लिए आप शहद जो है वो अपने घर में ज़रूर रखा करें। चाहे आपके छोटे बच्चे हैं, चाहे आपके बड़े बच्चे हैं, चाहे आप खुद हैं, हर घर में आप खांसी ज़ुकाम की आवाज़ आनी जो है ना वो बुखार की शुरू हो गई है। अच्छा, चिल्तन का ये कैशिया हनी है, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, चिल्तन की वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत से जो शहद हैं वो मिल जाएंगे। अच्छा, इसके आप फ़ायदे खुद ही पढ़ लें, यहाँ से आपको सारा पता चल जाएगा कि जिनको खांसी हो, मलाइका को इतनी स्वेर खांसी थी कि बिल्कुल नहीं जा रही थी, गला ख़राब रहता था, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी जो मुझे इसकी बात लगती है ना कि भी बहुत लाइट सा है, बहुत ओवर वाला वो मीठा नहीं है। अगर आप ग्रीन टी पी रहे हैं उसके अंदर आप थोड़ा सा ऐड कर दें एक चम्मच। और अभी जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है, बेशक अगर अल्लाह का शुक्र है अगर आपके बच्चों को बुखार और जुकाम नहीं भी है ना, तो इतनी सी चम्मच लेके आप अपने बच्चे को पिला दें सुबह स्कूल जाते हुए, इससे इंशाल्लाह आपका जो बच्चा है ना वो सर्दी से बचा रहेगा, जुकाम से, एलर्जी से, तमाम चीज़ों से वो बचा रहता है। मिठाई जो है हमने ले लिया, दो डब्बे लिए हैं सिर्फ, सकाफत से लिए क्योंकि हमें इनकी मिठाई जो है ना वो बहुत ज्यादा पसंद है। हमजा, आपने अपना फेस नहीं वॉश किया, आपको मुंह के ऊपर बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई है इधर, है ना? मलाइका मिठाई किधर है? गाड़ी में। चलें, ये अबू के लिए मैंने अजवा खजूरें लिए हैं क्योंकि अबू को बहुत ज्यादा पसंद है, ये भी मैं साथ ही लाई थी, तो ये अभी हम साथ लेके चलते हैं। अभी हम पहले जा रहे हैं नसीर भाई की तरफ कि उनको सबसे पहले जाके मिठाई दें क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गई है, तकरीबन 9:30 हो गए हैं और अब आपको पता है कि हर कोई जरा जल्दी सो जाता है। हमजा का टेस्ट था, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया और मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन अभी मैंने कहा मैं पहले नसीर भाई को देती हूँ, फिर अम्मी लोगों को जाके देती हूँ। और नासिर भाई की थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं उनकी तरफ नहीं गई, मैंने कहा इंशाल्लाह वो एक दो दिन में जरा ठीक हो जाए तो फिर मैं उनकी तरफ जाऊंगी मिठाई देने के लिए। मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं था, सलाम को मांगू, सो जाए सो जाए।5 करोड़ वाला नोट नहीं, जो अबू का दिल करे। नहीं नहीं, आपकी के बाप ही बड़े हैं, छोटे बच्चे थे। ओ यार ये बहुत है, 1000 रुपए है वो, 500 है। हमजा कह रहा है 500 मैंने लेने हैं। अच्छा हमजा आप ले लो। अच्छा आप ले लो। लेकिन कैंटीन में बच्चे छोटे पैसे लेके जाते हैं, बड़े पैसे लाओगे। थैंक यू नानी, थैंक यू। चलो आप मुझे दे दो, नहीं वो बता दे दो। थैंक यू नाना। वो आपकी का रिजल्ट था ना? आपका तो रिजल्ट, आपका तो रिजल्ट ही नहीं था और आपने तभी बाबा से अबू से 100 रुपीज दे दिया। ये देखो,
आप सब लोग मुझसे बार बार कह रहे थे कि आपने वहाँ से जो भी शॉपिंग की है ना, तो आप लोग हमारे साथ शेयर करें। सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा आप कह रहे ना, जो शॉपिंग की गई ज़्यादा जो महंगी थी वो ज़ाहिर है गोल्ड की थी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि जब भी मैं उधर जाऊँ तो वहाँ का जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इतना हम थके हुए होते थे ना, जब मैं बाहर से आती थी तो सम टाइम मेरी इस तरह मतलब मुझे नहीं समझ आई कि मैंने एक दो जगह पे कुछ गलत बोल दिया। मैंने बोला कि 24 के कैरेट था, नहीं वो 21 के 22 कैरेट होता है, 24 के वाकई नहीं होता, उसका तो गोल्ड बन ही नहीं सकता। ये एक मेरी मिस्टेक थी जो मैंने बाद में भी नोटिस किया, जब मैंने अपना ब्लॉग देखा ना तो मुझे वाकई आइडिया हुआ कि 24 के तो गोल्ड बन ही नहीं सकता, ज़ाहिर उसकी वो डिज़ाइन ही नहीं बनता, चाहे 21 कैरेट था या चाहे 22 कैरेट था, लेकिन बहुत अच्छा गोल्ड था। अच्छा, वो मैंने अपने लिए लिया था और घर में मैं अपने लिए सिर्फ लेके आई हूँ ये सारे ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आपको पता है कि विंटर है, ड्राई फ्रूट खाए जाते हैं और मुझे अजवा पसंद भी माशाल्लाह से बहुत है, तो इस तरह आते ही ना मैंने ये डब्बे शब्बे बना के ये इधर सामने रख दिए डब्बे शब्बे। ये पिस्ता ले आई वहाँ से, बहुत अच्छी क्वालिटी का ना, वहाँ का जो ड्राई फ्रूट है ना उसकी क्वालिटी यार बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ें इस तरह मैंने ये सारे कंटेनर्स में रख दी हैं। लाइकर और उषा ने वहाँ से ये मिस्ट ले लिया था अपनी पसंद का, ठीक है, ये गैस का मिस्ट था, इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए इस तरह और अब्बू के लिए सब के लिए ना मैंने ये परफ्यूम्स और जो है ऊद, ठीक है, ये वहाँ की पता है ना बहुत स्पेशल चीज़ होती है अरेबियन फ्रेगरेंस जो है, ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। ये यहाँ से ना इस तरह हमें एक अच्छी चीज़ लगी, हमने कहा चले इंशाल्लाह न्यू घर में मैं ये रखूँगी, तो मुझे ये वहाँ के लिए बहुत अच्छा लगा। मतलब आप जहाँ पे घूमने फिरने के लिए जाएँ तो आप इस तरह वहाँ से एक ना एक कोई यादगार ले आया करें। और ये ऊद है, ठीक है, इसी तरह का मैं अपने अब्बू के लिए भी लेके आई हूँ और यही मैं अपने हस्बैंड के लिए भी लेके आई हूँ। हमसा की सिर्फ मैंने वहाँ से एक दो शर्ट्स ही ली थी और मैंने कुछ इस तरह खास नहीं लिया, जूते लिए हैं, बाकी इस तरह हमने वहाँ से खास कोई शॉपिंग ही नहीं की, क्योंकि घर में यहाँ पे भी हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पेश आई। हाँ, सिर्फ थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह लेनी थी तो मैंने वो लिया, टोटल मैंने वहाँ से ये शॉपिंग की है। अच्छा, जो यहाँ पे मैंने सबको जो चीज़ें देनी है उसमें परफ्यूम्स और ड्राई फ्रूट्स ही हैं जो मैं सबके लिए बाकी सबके लिए लेके आई हूँ। हमजा जब गया था ना तो पता है उस दिन हमजा का बर्थडे था और आज हमजा जैसे ही आता गया ना इसने सबसे पहले आके अपनी कार्स ओपन की हैं, दूसरी जो है ना और दूसरी ये वाली है, ये वाली मुझे बहुत पसंद आई थी पहले दिन। वाह हमजा, अच्छी है ना, दिखाओ यार। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हमने हमजा को हैप्पी बर्थडे पे स्नो ही नहीं पहनी थी हमजा, हमने कहा कि चलो आप हमजा को तंग करते हैं हम इसको स्नो मैन बना दे। इससे मुझे बहुत खांसी होती है हमजा। अच्छा बना, आप ही तो बहनों को तंग करते हैं उनकी बर्थडे पे, अब बहनों ने भी तंग किया। अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा से खुश हो रहा है ना, पर गया बापी को भी बाहर दो पकड़ के। तो फिर उल्ला छोड़ दो, चलो वो सांस तो लेना बस, अब छोड़ दो गाड़ियों को जाके सो जाओ। स्प्रे की अच्छा इतनी एकदम से स्मेल सी बन गई है ना, जैसे एकदम से उन्होंने स्प्रे किया कमरे के अंदर। मैंने वहाँ से विंडो ओपन किया, थोड़ा सा फैन चला के ना दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि एक दफ़ा ना वो स्प्रे की जो स्मेल है ना वो सारी निकल जाए। अच्छा, हम जैसे ही घर पहुँचे इतना ज़्यादा सामान था उसको समेटने में हमें 2-3 दिन लग गए, कपड़े धोने वाले, इस्त्री करके लटकाने वाले, फिर साथ ही एक फंक्शन आ गया वहाँ पर चले गए, उसका मैं ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर सकी, और साथ में बहुत ज़्यादा मतलब एक आप कह लेना कि एक वर्कलोड जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया। आज अल्लाह का शुक्र है मैं सबकी तरफ मिठाई दे आई हूँ, तो अब अल्लाह का शुक्र है अब मैं यानी कि अच्छा फील कर रही हूँ, मतलब बेहतर है, अब कुछ ना कुछ रूटीन जो है ना वो सेट हो गई है। और हस्बैंड मेरे इसलिए नहीं गए थे, मैंने आपको बताया था कि उनको कुछ मतलब अपने ऑफिस का कोई काम था और कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स थे, इस वजह से वो नहीं जा सके थे। लेकिन वहाँ पे भी हम आपको पता है कि अल्लाह का शुक्र है भाई के पास ही गए थे और भाई के साथ मतलब हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा, बहुत हमने इंजॉय किया वहाँ पे, लेकिन दिन ज़ाहिर थोड़े थे इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी वापस आना पड़ा। अगर आप डाइट भी कर रहे हो ना तो आप इतनी सी जो है ये ड्राई फ्रूट ज़रूर अपनी डाइट में रखा करें, ये बहुत अच्छे होते हैं आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन थोड़ा खाया करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर हर चीज़ अपनी डाइट में ऐड किया करें। जब हम वहाँ पे गए थे ना तो मैं अपनी थोड़ी सी स्किन केयर काम लेके गई और फिर के ना थोड़ा सा मेरा कलर जो है वो भी कम्प्लेक्शन ख़राब हो गया, तो मैं यूज़ करती थी यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि स्किन ब्राइटनिंग सीरम, ठीक है, ये बहुत अच्छा है अगर आपको एक्नी है, एक्नी स्कार्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इस तरह प्लास्टिक की पैकिंग में आता है, कमाल की चीज़ है। आप बस रात को सोने से पहले ना इस तरह एक एक दो दो ड्रॉप्स लेके आप अपने पूरे फेस के ऊपर इसके अप्लाई कर लिया करें, ठीक है, स्किन ब्राइटनिंग देता है। जो लोग फार्मूला क्रीम्स के चक्कर में अपनी स्किन ख़राब कर बैठते हैं और इस चक्कर में है कि फार्मूला क्रीम्स जो है वो
हमें ब्राइट स्किन देगी, बिल्कुल ऐसी ऐसा नहीं होता। वो वक्ती तौर पे देते हैं, उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं। लेकिन ये ब्राइटनिंग सीरम का ये होता है कि ये आपकी स्किन को एक तो ब्राइट भी करता है, लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि एक ऑर्गेनिक है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, और आपके दाग धब्बे और एक्नी स्पेशली कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, इसका मैं लिंक लगा दूंगी और मेरा कोड है 10 रास्ता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। और मिलेंगे अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।